अगली खबर नेताओं से जुड़ी हुई है। ब्राह्मणों पर विवादास्पद टिप्पणी कर चुके प्रीतम लोधी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे समर्थकों से बंदूकें उठवा रहे हैं। उन्होंने कहा, न अत्याचार करेंगे, न देखेंगे और सहन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनकी बात उनके समर्थकों ने भी दोहराई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार और बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में समर्थकों से बंदूकें उठवाई। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, शान से बंदूक उठाओ, एक भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा। वे बुधवार को दशहरा मिलन समारोह में शामिल हुए थे। आपको बता दें, अगस्त में शिवपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों और कथावाचकों पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कथावाचकों की नजर महिलाओं पर होती है। ब्राह्मण 9 दिन तक आपको उल्लू बनाते और बातें करने के आपसे 25 से 50 हजार रुपए भी लेते हैं। प्रीतम लोधी का अब नया वीडियो सामने आया है। इसमें वे समर्थकों से बंदूकें उठाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, न अत्याचार करेंगे, न देखेंगे और सहन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यह बात उनके समर्थकों ने भी दोहराई। वीडियो में प्रीतम अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि किसी का भी लाइसेंस निरस्त नहीं होगा, होगा तो मैं वापस बर्बाद दूंगा। दशहरा मिलन समारोह ग्वालियर के जलालपुरा में तलवार वाले हनुमान मंदिर परिसर में हुआ था। इसमें प्रीतम लोधी के काफी समर्थक पहुंचे थे। प्रीतम मंच पर थे और नीचे मैदान में उनके समर्थक हाथों में बंदूकें और तलवार लेकर खड़े थे। हमें अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार सेना नहीं है, देखना है। हमें कम खाते हैं कि किसी पर अत्याचार करेंगे, हमें कम खाते हैं कि किसी पर अत्याचार होगा तो हम उसका मुकाबला।